जिले में एक बार फिर महिला के साथ ठगी कर हजारों रुपए के सोने पर हाथ साफ कर देने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी के अनुसार धगट चौराहे के पास आशा सोनी नामक महिला के पास दो युवक आए और उन्होंने सोना दोगुना करने के नाम पर महिला से ठगी की। ठगों ने महिला के लगभग 2 तोले सोने पर हाथ साफ कर दिए। राजा मैरिज हॉल के पास रहने वाली महिला आशा सोनी ने बताया कि एक युवक उनके पास आया और पॉलीथिन में अपना सोना रखने को कहकर कुछ देर रुकने के बाद वह वहां से चला गया। वहीं जब उसने उस पॉलीथिन को खोलकर देखा तो उसमें से सोने के जेवरात गायब थे। महिला ने इसकी जानकारी कोतवाली में दर्ज कराई है। वहीं पास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पुलिस ठगों की तलाश कर रही है। सोने की ठगी का यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी दो आदमी आए, एक यहाँ बाइक से आगे बढ़ गया और एक हमारी शॉप पे आया। चाट फुल्की की दुकान है, वहाँ आया और हमारी वाइफ थी तो उनसे बोले लगा आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, आप एक काम करिए अपना ये सोने का सामान जो कुछ भी है, मंगलसूत्र और अंगूठी वगैरह पहने थी तो वो उसने पॉलीथिन में डलवाई। बोले लगा कि ये आप अपने भगवान जहाँ पे बैठा लें वहाँ पे रख के और 10 मिनट बाद पहन लेना सोना अपना और प्रसाद ये बांट देना। इस टाइप के उसने बोला और सामान पैक कराया और बस निकल गया। मैं 2 मिनट बाद आया तो वह उनने बताया, मैंने पन्नी खोल के चेक की तो उसमें सोने का सामान गायब था, सिर्फ प्रसाद भर छोड़ गया है वो भगवान के लिए। देखा है क्या कितना सामान था? ये करीब 2 तोला सोने का सामान था। क्या क्या था उसमें? एक मंगलसूत्र था, उसमें पेंडल था एक, और 32 करीब 16 गुड़िया बड़े थे और 32 गुड़िया छोटे थे और 2 अंगूठी थी। पुलिस में कंप्लेंट किया? पुलिस में अभी हम गए थे तो आए हैं, पुलिस वाले देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं अगल बगल में, अगर जानकारी मिल जाए तो अच्छी बात है। क्या नाम है? सुनील कुमार सोनी। दो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति इनके पास आए और इनको इनसे धोखाधड़ी करके इनकी सोने की माला 2 अंगूठियां इनसे मतलब धोखाधड़ी करके और बहला फुसला के इनसे ले गए हैं। हमने इसमें धारा 420 के तहत मामला कायम किया है और आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं इनसे फुटेज निकालने का प्रयास हम कर रहे हैं और मामला जाँच में विवेचना में। सर चोर सीसीटीवी में कैदी हो गए हैं दो लोग, एक संदेही व्यक्ति, एक मोटरसाइकिल, इस तरह से हमें कुछ मतलब क्लिप्स मिली हैं आसपास के सीसीटीवी कैमरों से, हम सभी इकट्ठे कर रहे हैं और इन्हीं के आधार पर हम इसकी तलाश कर रहे हैं। खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे।